हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास ट्वेल्व आज की आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू तो लाइन चार्ज एक लाइन चार्ज है उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी थ्योरम की हेल्प लेके तो पहला है कि लाइन चार्ज एक वायर है इसकी लेंथ कुछ भी इनफाइनाइट लॉन्ग है तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना पड़ता है किसी भी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में गौसन सरफेस कंसीडर करनी पड़ती है वो गौसन जो सरफेस होगी वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए इस वायर से या जो भी जो भी कंडीशन हम ले रहे हैं उसके लिए तो ये क्यूबिकल भी हो सकती है स्पेरिकल भी हो सकती है, है और सिलेंड्रिकल भी हो सकती है तो वायर के केस में ये सिलेंड्रिकल सर्फेस होगी तो हमने एक सिलेंड्रिकल गौसन सर्फेस कंसिडर करी ये एक सिलेंड्रिकल गौसन सरफेस है माना इसका रेडियस आर है और इसकी लेंथ एल है इस सिलेंडर की तो कंसीडर अगौसन सिलेंड्रिकल सर्फेस ऐसा डायग्राम ऐसे हमने एक सिलेंडरकल गोसन सरफेस कंसिडर करिए अब किसी भी सरफेस का जो नेट फ्लक्स होता है नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस जो नेट फ्लक्स होता है वो फाइव इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस अब हमने इस सरफेस पे इंटीग्रेशन का मतलब होता है अगर सिमेट्रिक है तो उसको सम कर देना है तो हम यहाँ पे तीन पॉसिबल केसेस लेते हैं कि हम कौन कौन सी सर्फेसेस कंसिडर कर सकते हैं हम एक इस कर्व सर्फेस में कंसिडर कर सकते हैं एक ऊपर साइड कंसिडर कर सकते हैं और एक नीचे तो हम तीन सर्फेसेस कंसिडर करेंगे बना एक यहाँ पे एक सर्फेस एरिया है एस वन छोटा सा सर्फेस एरिया डीएस वन यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर टू द सर्फेस होगा डीएस वन इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो वायर से हमेशा बाहर को निकलेगा पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी ऐसे ही एक सरफेस सरफेस इसकी जो कर्व है उसमें ले लिया तो यहाँ पे एक सरफेस दूसरी सरफेस ले ली डीएस टू यहाँ पे एरिया वेक्टर जो होगा इसका डीएस टू इसी डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन सेम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूरे इसमें इस लाइन से बाहर की तरफ होगी ऐसे ही एक तीसरा केस ले लिया हमने यहाँ पे कंसिडर कर दिया डीएस थ्री और ये इसका एरिया वेक्टर हो गया डीएस थ्री और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई e. ये हमने तीन केसेस कंसीडर करे तो अब जो ये फाइ है इस फाइ को हम लिख सकते हैं फाइव इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस वन प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस टू प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस थ्री अच्छा डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है और कॉस हमेशा 90 डिग्री पे जीरो होता है तो डी एस वन और डीएस थ्री में ई e और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ये हो गया इंटीग्रेशन ई डी एस वन कॉस नाइन्टी प्लस इंटीग्रेशन ई डीएस टू डीएस टू में ई e और डी एस के बीच का एंगल जीरो है कॉस जीरो प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस थ्री कॉस नाइन्टी डिग्री तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जीरो हो गया तो जो नेट फ्लक्स है वो सिर्फ इसकी कर्व सरफेस के कारण आएगा तो ये हो गया इंटीग्रेशन ई इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाल दिया ई इंटीग्रेशन डी एस टू अब ये इसका कर्व सरफेस एरिया है एक सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया वो टू पाई आर एल होता है ये इसकी रेडियस एल उसकी है तो हम इसको लिख सकते हैं ई इंटीग्रेशन को हटा दिया मतलब सारे सर्फेसेस का जो सर्फेस कंसिडर कर रखी है उनका सम और वो सम इसका कर्व सर्फेस एरिया हो गया टू पाई आर एल तो ये एक इक्वेशन हो गई फाइव क्वेश्चन टू ई इंटू टू पाई आर एल ये एक इक्वेशन हो गई फिर नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी सरफेस में जो जो फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस का वो क्यू अपॉन एपसेलन नॉट टाइम्स के इक्वल होता है ये इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों फाइव की वैल्यू तो इक्वल कर दिया ए इंटू टू पाई आर एल इक्वल्स टू क्यू अपॉन एपसाइल नॉट तो ई e की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन टू पाई एपसाइल नॉट आर एल अब लास्ट वीडियो में मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बताया था यहां पे एक लाइन चार्ज है तो इसके लिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसिडर करेंगे और लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्यू की वैल्यू होती है लेमडा एल इसकी जगह हम लिख सकते हैं लेमडा एल तो ये ई e की वैल्यू होगी गई लेमडा एल अपॉन टू पाई एफ सैलन नॉट आर एल एल सेल कैंसिल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लेमडा अपॉन टू पाई एफसेलन नॉट आर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एक लाइन के लिए और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वायर की लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही है ये डिपेंड कर रही है कि कितनी डिस्टेंस पे हमने सरफेस को कंसीडर करा है जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उस सरफेस की उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन सीट इलेक्ट्रिक फील्ड डू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट एक प्लेन सीट है उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक ये प्लेन शीट है इनफाइनाइट लॉन्ग है इसको हमने चार्ज दिया पॉजिटिव चार्ज दे दिया वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फिर हमने एक गौसन सर्फेस कंसिडर करनी है वो सिलेंड्रिकल एक छोटे से एरिया के लिए हमने एक सिलेंड्रिकल गोसन सरफेस कंसिडर करी ये सरफेस कंसिडर करी फिर से वही जो नेट फ्लक्स नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस किसी भी सरफेस का जो नेट फ्लक्स होता है फाइव इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस होता है फिर हमने यहाँ पे पॉसिबल सर्फेसेस कंसिडर करनी है तो एक सर्फेस हम इसके कर्व सर्फेस एरिया पे कंसिडर कर सकते हैं इसकी कर्व सर्फेस पे कंसिडर कर सकते हैं तो हमने यहाँ पे एक कंसिडर कर दी माना ये डीएस वन सर्फेस है यहाँ पे जो इसका एरिया वैक्टर होगा ये सर्फेस के परपेंडिकुलर हो गया डीएस वन अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे और ऐसे होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा एक सरफेस हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं इस वाले पे तो माना ये डीएस टू है और यहां पे इसका एरिया वेक्टर हो गया डीएस टू और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही होगी एक हम इस पोर्शन पे कंसिडर कर सकते हैं तो यहां पे हमने एरिया वेक्टर एरिया जो है डीएस थ्री कंसिडर करा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन एक ही होंगी तो फिर वैसे ही सब कुछ एक जैसा ही करना है फाइव टू इंटीग्रेशन एक सरफेस एस वन डॉट डीएस वन प्लस integration एस टू डॉट डीएस टू प्लस इंटीग्रेशन एस थ्री ई अब s1 में एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला पोर्शन जो है ये जीरो हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ जो नेट फ्लक्स आएगा वो इन दो सर्फेसेस के कारण आएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल जीरो डिग्री है तो फाइव इक्वल्स टू माना ये जो एरिया है ये दोनों ए है क्योंकि ये इक्वल है एक जैसी गौसन सरफेस कंसिडर कर रखिए तो हम इसको लिख दिया ई कॉन्स्टेंट है ई इंटीग्रेशन डीएस टू प्लस ई इंटीग्रेशन डीएस थ्री डीएस टू डीएस थ्री टोटल एरिया टोटल एरिया को हमने ए मान रखा है तो phi इक्व टू ई ए प्लस ई ए, ए तो ये हो गया टू ई ए, ए। तो पे जो फ्लक्स आया वो हो गया टू ई ए ये एक इक्वेशन हो गई फिर से गॉस थ्योरम से गॉस लॉ क्या कहता है जो नेट फ्लक्स होगा वो क्यू अपॉन एपसाइल नॉट के इक्वल होगा इसको सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम वन एंड टू दोनों फाइव को इक्वल कर देते हैं तो ये हो जाएगा टू ई एक्वल्स टू क्यू अपॉन एपसाइलन नॉट फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन टू एप्सैलन नॉट ए जैसे हमने यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी ली थी यहाँ पे एक सरफेस है तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है लेमडा एल लीनियर चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा ए तो इक्व e टू हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन टू एप्सैलन नॉट ए ए ए कट गया तो ई e की वैल्यू जो आ गई वो हो गई सिग्मा अपॉन टू एपसाइलन नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एक प्लेन सीट के लिए ये सीट के एरिया पे डिपेंड नहीं करती है इस तरीके से ये दो एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट